एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। नाना पटोले की अब नहीं चलती कांग्रेस में। कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प समारोह में कई बड़े नेताओं ने अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। दिल्ली और मुंबई जाकर बड़े नेताओं की चाटुकारिता करने की वजह से नागपुर में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते देशपांडे सभागृह में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प समारोह में गुटबाजी फिर एक बार नजर आई। वही कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी नेताओं के रवैये को लेकर फूटा। यह सारा मामला नाना पटोले के चुनाव हारने के बाद देखने को मिला। कांग्रेस में जब से नाना पटोले की घुसपैठ हुई है, तब से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दरार पड़ गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस में बाहर से उम्मीदवारों का चयन कर कांग्रेस उनके साथ जाति कर रही है। एक तरफ नाना पटोले राज्य की सभी सीटें जीतने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता नाना की विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस लंगड़े घोड़े पर घोड़ी चल रहे हैं। राज्य की मौजूदा परिस्थिति कांग्रेस की चिंताजनक होने के बावजूद कार्यकर्ता कतई नाना पटोले को पसंद नहीं कर रही है, जिसके चलते ब्लॉक अध्यक्षों का इस सम्मेलन में भी नाना पटोले पर सवाल या निशाना उठाते हुए सम्मेलन में हाथापाई की स्थिति निर्माण हो चुकी है। अब वो जमाना गया जब नेता कार्यकर्ताओं के दबाव में रहते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर पूरी तरह से खत्म हो गई है। यहाँ से 100 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते नाना पटोले के नेतृत्व में अगर नागपुर में विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे, इस संकल्प समारोह में देखने को मिला। अगर यही हाल कांग्रेस का रहा तो कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में कम सीटों में सिमट जाएगी। देखना है कि कांग्रेस नाना पटोले को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाती है कि कार्यकर्ताओं को निराश करती है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप्स डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।